अब ये है सवाल के जो ऐसा पति हो कि वो उसके वजह से उस पत्नी को समझो कि कुछ गलत काम करना पड़े तभी भी उस पर जय श्री कृष्ण राधे राधे गुरुजी गुरुजी आपको चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन गुरुजी खुश रहिए अभी बैठेंगे अंदर मिलेंगे गुरुजी आज हम जा रहे हैं गुरुजी जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी आपको उनको छोड़ के जाने का मन नहीं है कोई बात नहीं फिर आना फिर भी टिकट है गुरुजी सुबह जा रहे हैं लेकिन हम यहाँ के यादें ये सब और कन्हैया को साथ में इनके सहारे रहेंगे और गुरुजी बस आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो हम दोनों को कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना तो मैं बड़ी बड़ी सेवा करूँ ऐसा अच्छा मुझे आशीर्वाद दो भगवान आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आप बहुत सारी सेवा समाज की कर पाए मैं बड़ी नहीं कर पाई आज तक छोटी छोटी की लेकिन बड़ी नहीं कर पाई गुरुजी तो मुझे बहुत मन है करने का तो बस मुझे वही मैं चाहती हूँ भागवत जी से गुरुजी एक छोटा प्रश्न है गुरुजी कि आपके भागवत कथा में आप बोलते हो कि पति कैसा भी हो पति को भगवान मानना चाहिए तो गुरुजी क्या गुरुजी वो पति भी भगवान जैसा लक्षण उनमें भी होना चाहिए कि नहीं गुरुजी जो पति मतलब गुटखा खाता है झूठ बोलता है जुआ खेलता है और वो अपनी पत्नी को जैसे वो जुआ खेल के पैसा बहुत उधार करके कर्जा करके पत्नी को रोड के ऊपर चार पुरुषों के बीच में लाके छोड़ देता है ऐसे पति के साथ क्या उस पत्नी को रहना चाहिए गुरुजी पत्नी पति व्रता है तो पुरुष को भी पत्नी व्रता होना चाहिए दोनों के लिए बातें हैं सही बात है गुरुजी पत्नी पति का सम्मान करती है तो पति को भी पत्नी का आदर करना चाहिए तो वही तो गुरुजी जो पति परमेश्वर है तो जो पुरुष का भी तो कर्तव्य होता है ना गुरुजी पूरा कर्तव्य है उसका यदि वो आचरणहीन है पुरुष तो ऐसा पुरुष नर्कगामी होता है लेकिन गुरुजी अब ये है सवाल के जो ऐसा पति हो कि वो उसके वजह से उस पत्नी को समझो कि कुछ गलत काम करना पड़े तभी भी उस पति के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए गुरुजी ये सवाल है मेरा पति के साथ रहना ना रहना अलग विषय है उसे सत्संग से जोड़ के सुधारो और वो गलत काम कराए तो गलत क्यों करना है सही करना है लेकिन गुरुजी समझाने से समझने वाले लोग होते तो फिर गलत क्यों करना है नहीं करना गलत काम वो कोई कहे देखो पति कहे कि तुम गाय को काट दो तो क्या गाय काट देंगे नहीं वो तो नहीं काटते फिर गलत काम थोड़ी करेंगे नहीं करेंगे फिर पति कहे कि भगवान को छोड़ दो थोड़ी भगवान को छोड़ देंगे नहीं 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 छोड़ देंगे ऐसी है जो पति की आज्ञा मानने योग्य है वो तो मानो सही जो मानने योग्य नहीं है वो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए सही बात है प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी वो कह रहा था कि मैं ही भगवान हूँ प्रहलाद जी ने कहा नहीं भगवान तो भगवान है सही बात है भरत जी ने अपनी माता की बात नहीं मानी कह के बोली कि तुम राजा बन जाओ भरत जी नहीं बने सही बात है राजा बलि ने गुरु जी की बात नहीं मानी गोपियों ने पति की बात नहीं मानी विभीषण ने भाई की बात नहीं मानी तो जो बातें मानने योग्य हैं वही तो मानी जाएंगी जो बातें नहीं मानने योग्य हैं वो नहीं मानी जाएंगी चाहे बाप हो माँ हो कोई हो पति हो पति किसी की बात क्यों मानी जो मानने योग्य है ही नहीं सही बात है गुरुजी वो क्यों मानेंगे सही बात है और गुरुजी एक छोटा प्रश्न जो आपसे जो दीक्षा ली है तब से जो 11 माला का नियम है गुरुजी वो हम घर पे करते हैं लेकिन जब बाहर जाते तो नहीं होता गुरुजी तो कोई दोष नहीं लगेगा मन से अंदर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन तो कभी दोष तो नहीं होगा ना गुरुजी कोई दोष नहीं अंदर चलता रहे ये तो प्रेम है भगवान से डरो मत कि जी कोई दोष होगा कोई पाप कोई भगवान हमारे हैं परिवार के सदस्य हैं ऐसा मानो भगवान को गुरुजी एक और प्रश्न गुरुजी जो हम लहसुन प्याज घर में नहीं खाते भगवान को भोग नहीं खिलाते लेकिन गुरुजी अभी मंदिरों में जो प्रसाद बांटते हैं ना गुरुजी तो वह गुरुजी गलत मत समझो लेकिन ब्राह्मण ही उनके घर में लहसुन प्याज का भोजन बना के भगवान को भोग लगाते हैं गुरुजी ऐसा कुछ लोग लगाते क्योंकि हम महाराष्ट्र में है ना तो वहाँ के जो मंदिर में जो ज़्यादातर जो प्रसादी बांटते हैं अब राम जी के मंदिर तो हम जाते हैं कृष्ण जी को मंदिर में तब हम जहाँ रहते हैं वहाँ जाते तो जाना होता है गुरुजी तो वह प्रसाद हम देते तो वो प्रसाद हम लेते गुरुजी उसमें हमारा कोई दोष तो नहीं लगेगा नहीं दोष नहीं है कुछ लोग खाते होंगे बिल्कुल खाते होंगे लेकिन उसमें लहसुन प्याज होता है गुरुजी कुछ लोग खाते होंगे लगाते होंगे भगवान जाने तो
तो हम वो प्रसाद खाए तो गलत प्रसाद है भगवान जी का, तो खा सकते हैं गुरु जी। ऐसे प्रसाद को माथे से लगा लेना चाहिए, प्रसाद का सम्मान हो प्रणाम करना चाहिए, और प्रसाद है खा सकते हैं, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो खाने योग्य है, चलो लहसुन प्याज तक तो सब ठीक है, नहीं खाते हम लोग, पर कुछ लोग खाते हैं, वो सबकी अपने अपनी पर्सनल विचारधारा है कि आप खाना पसंद करते हैं या नहीं खाना, ये कोई पाप पुण्य की श्रेणी में नहीं आता लहसुन प्याज, तामसी है इसलिए नहीं खाते, कोई खाता है तो कोई पाप नहीं है, वो भगवान जी को भोग नहीं लगता, तामसी है इसलिए, बाकी कोई पाप नहीं है। ठीक है गुरु, ठीक है। पाप मांसाहार है, कुछ लोग मांस खाते हैं और वो यदि वो भगवान को मांस का भोग लगा रहे हैं तो वो पाप है, वो गलत है। ठीक है गुरु जी एक और छोटा सवाल, गुरु जी आप एक बार हैदराबाद कथा करने को गए थे ना, तो मैं आंध्रा में बड़ी हुई हूँ, मतलब मैं वहाँ मेरे पैदा हुई, मैं वहाँ बड़ी हुई हूँ, तो गुरु जी मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं गुरु जी, वहाँ के लोग वेंकटेश्वर मतलब तिरुपति बालाजी को बहुत मानते हैं गुरु जी, लेकिन उधर क्या है गुरु जी, एक तो फिल्म बहुत देखते हैं लोग उधर के, इतना फिल्म देखते को नई फिल्म आ गई तो जो या पंडाल में कैसा भीड़ होते हैं ना, उधर वैसा भीड़ होते, और उधर के लोग थोड़ा दिल के ऐसे हैं कि वो हीरो के लिए मर भी जाएंगे, ऐसे लोग हैं, वो पागलपन बोले क्या बोले मत पता नहीं गुरु जी, तो वो लोग हैं ना नॉनवेज बहुत खाते गुरु जी, आपको कभी भी आंध्रा कहीं आंध्र प्रदेश में कथा करने का मौका मिले तो आप जरूर जाइए गुरु जी, उधर के लोगों को बहुत सुधारना है गुरु जी, वहाँ नॉनवेज बहुत खाते हैं और सारी भी दारू भी बहुत पीते गुरु जी। ठीक है गुरु जी, हमको बस आशीर्वाद दो गुरु जी, हम जल्दी से फिर से आए जल्दी और आपके सेवा में सम्मिलित हो जाए गुरु जी, जय श्री कृष्णा राधे राधे गुरु जी।